आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ में 3 दिन से लगातार पड़ रही बरसात किसानों के लिए मुसीबत का पहाड़ बनकर टूट पड़ी है। बीते दिनों बरसात के साथ तेज ओलावृष्टि हो गई, जिससे किसान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई और खेतों में भारी मात्रा में पानी इकट्ठा हो गया। किसानों का कहना है कि लंबे समय से हम खेत में मेहनत कर रहे थे और अब जब फसल पकने की बारी आई तो ओलावृष्टि ने फसल पूरी तरह से नष्ट कर दी। फिलहाल सभी एकत्रित हुए किसानों ने शासन और जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, जिससे उनके नुकसान की भरपाई की जा सके। लेकिन फिलहाल किसानों के नुकसान को देखने या उसका निरीक्षण करने जिला प्रशासन का कोई भी आला अधिकारी नहीं पहुंचा। बहुत नुकसान हुआ है, रात ओलों ने बहुत नुकसान किया है। कितने बजे ओले पड़े थे, क्या है? करीब 200 ग्राम 150 ग्राम का ओला था और लाया आलू साहब 10:30 बजे करीब। तो अब इतने किसान घूम रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कोई शासन ही नहीं आया। खबर ताज नगरी आगरा से है, जहां ट्रांसपोर्ट माफिया के हौसले इस हद तक बुलंद हो चुके हैं कि वो आए दिन लोगों के साथ ठगी करते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही मौकेला ट्रेवल्स ने किया, जहां मौकेला ट्रेवल्स ने एक युवक के साथ छेड़खानी करते हुए बिहार भेजने के नाम पर उसे 1700 रुपए की फर्जी टिकट थमा दी। जब युवक बस की पूछताछ करने पहुंचा तो उसके साथ बदसलूकी की गई, जिसकी शिकायत पीड़ित ने थाना काबगंज में कराई, लेकिन शिकायत के बावजूद ट्रांसपोर्ट माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज सर सुबह आगरा उतरे सर, तो एक टेम्पो वाला से पूछे कि मेरे को बस स्टैंड जाना है, तो उन्होंने एक केरला ट्रेवल पे उतार दिया, वहाँ टिकट बनवाया 1700 रुपये का। अच्छा, कहाँ का टिकट बनवाया? गया का बनवाया 1700 रुपये का। मैंने और लोग से पूछे तो भाई बताया कि गया का कोई बस है नहीं, तो मैं अब इस टिकट को लेकर कहाँ जाऊँ? फिर आप ट्रेवल्स पर गए टिकट लेके? हाँ, ट्रेवल पे गए टिकट लेके, तो वापस करने के लिए बोले तो बोला कि 50% कट जाएगी, तो मैंने फिर बोले कि पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। जहां एक ओर सरकारी कर्मचारियों के कार्यालय को पूरे तरीके से स्वच्छ और साफ रखने के साथ साथ सरकार की ओर से सरकारी कार्य करने की अनुमति दी जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर सरकारी कार्यालयों का किस तरीके से उपयोग होता नजर आ रहा है, ये आप अलीगढ़ में साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां सरकारी बीज की कार्यालय और गोदाम में पशुओं का कब्जा है। कार्यालय में भूसा भरा हुआ है, जहां ग्रामीणों के साफ तौर पर कहना है कि बीज के गोदाम में अधिकारियों की ओर कब्जा कराने की पूरी कोशिश की जा रही थी। वहीं स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि पहले इस गोदाम में हजारों बोरी गेहूं भरा जाता था, पर आज इस गोदाम में गंदगी के साथ साथ पशु बांधे जा रहे हैं और अधिकारियों के कार्यालय में भूसा रखा जा रहा है। इसकी ओर ना तो नगर पंचायत ध्यान देती है और ना ही गोदाम के सुपरवाइजर ध्यान देते हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन आग बंद करके सरकारी गोदाम के भैंसों का तबेला बनाता नजर आ रहा है। है आपका राजुद्दीन नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये सरकारी गोदाम में यहाँ पर इतनी गंदगी पड़ी है और ये बंद पड़ा है, क्या कहना चाहते हैं? इसका तबेला बन गया है, यहाँ पर पशु बंद रहे हैं, इसमें गंदगी हो रही है, कुत्ते लैटरिंग कर रहे हैं। आपको ये पता है किसी किस किस के पशु बनते हैं यहाँ पर? पता नहीं किसके पशु है। खबर औरैया से है, जहां दौरे पर पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया प्रदेश सचिव डॉक्टर तिलक राज पाठक। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर प्रदेश सचिव का फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं इस मौके पर डॉक्टर पाठक ने कहा कि औरैया और कानपुर देहात की सीटों पर जो भी सपा गठबंधन का प्रत्याशी होगा उसे जिताने की कोशिश की जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, कम उम्र पर एक बड़ी जिम्मेदारी और वो भी चुनाव के दौरान, तो मैं इसको पद से ज़्यादा जिम्मेदारी के तौर पर लेता हूँ। ये एक भार है, तो
क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है। मेरी जानकारी में इतिहास का ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ सरकारें बनाने का नहीं बल्कि भारत के संविधान को बचाने का। फरुखाबाद में प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास स्थित प्रयाग नारायण हॉस्पिटल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अरविंद गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित उत्साहवर्धन कार्यक्रम में लगभग एक सैकड़ा से अधिक विद्यार्थियों को मेडल व शील्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर अरविंद गुप्ता और ज्ञानी गुरबचन सिंह की ओर से गुरु गोविंद सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। डॉक्टर अरविंद गुप्ता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम एक सामाजिक कार्यक्रम है और बच्चों के अंदर नई ऊर्जा पैदा करना है, जिससे वे विभिन्न खेलों में जनपद का नाम रोशन करें और खेलों में भी गौरव बढ़ाएं। ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन का बहुत आवश्यकता है। फतेहपुर में बड़े ही धूमधाम से प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, जहां सिखों गोविंद सिंह का 356वीं जयंती की खुशी का माहौल दिखाई दिया, जहां जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने के प्रकाश पर्व पर लोगों को संबोधित किया। सपप कीर्तन के साथ साथ गुरुद्वारा साहिब में चल रहे लंगर में लोगों ने प्रसाद चखा, जहां इस कार्यक्रम का आयोजन गुरुद्वारा सिंह सभा फतेहपुर के प्रधान वरिंदर सिंह ने नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस मौके पर सिख समुदाय के लोगों में बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद कुछ ही देर में जनपद सिद्धार्थनगर के शरदगढ़ में एक्शन के मूड में प्रशासन दिख रहा है। कस्बे में उप जिलाधिकारी उत्कर्ष श्रीवास्तव व सीओ हरिचंद के नेतृत्व में टीम कस्बे में लगे राजनीतिक पार्टियों के बैनर पोस्टर को उतरवाना शुरू कर दिया है। साथ ही कस्बे में दुकानदारों से बात करते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिए गए। साथ ही सभी राजनीतिक लोगों से अपील की, चुनाव आयोग के गाइडलाइन का पालन करते हुए कहा कि सभी लोग किसी भी प्रचार सार का बैनर पोस्टर ना लगाएं। सी हरिचंद ने बताया कि आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसके तहत सबसे पहले बैनर पोस्टर हटवाया जा रहा है। आज आचार संहिता लागू होने के बाद सबसे पहला तो ये बैनर पोस्टर के सभी लोगों, सभी राजनीतिक दलों से रिक्वेस्ट करके स्वयं हटा लेंगे, जहां जाने हटे स्वयं हटा के आज हटा लिए जाएंगे, तथा पुलिस अधीक्षक महोदय के डायरेक्शन ऑर्डर पर चुनाव के दौरान जो जो एहतियात बरतने हैं वो सभी एहतियात बरते जा रहे हैं, तथा जो चुनाव के पहले की तैयारियां हैं उसकी तरह सारी तैयारियां कर ली गई। पांच राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दी गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। अतः आज से आचार संहिता लागू होती है, सभी राजनीतिक दलों से संबंधित बैनर पोस्टर्स नियमांतर्गत हटवाए जा रहे हैं। मेरी सभी राजनीतिक दलों से भी यह अपील है कि वह स्वयं भी अपने राजनीति से संबंधित बैनर पोस्टर को हटवा लें एवं कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क पहने एवं उचित दूरी बनाए। बदायूं के उजानी कोतवाली क्षेत्र में युवक ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। बेटे ने पीट पीट कर पिता को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी मिली है कि आरोपी बेटे के पकड़ने गई पुलिस पर भी उसने हमला किया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना क्षेत्र उजानी में एक बेटे ने अपने पिता की पारिवारिक विवाद के कारण हत्या कर दी है, जिस पर उचित धाराओं में धारा 302 IPC में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त उसके छोटे पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई थाने स्तर पर की जा रही है। माऊ के गाजीपुर चौराहे पर स्थित डॉक्टर विवेक सिंह के पर फर्जी डिग्री का आरोप लगा। महिला ने फर्जीवाड़ा को लेकर आरोप लगाते हुए बताया कि वो डॉक्टर विवेक सिंह नहीं बल्कि बलिया जिले का रहने वाला सोनू है, जो मऊ के गाजीपुर चौराहे पर अस्पताल खोलकर लोगों से 400 रुपए की फीस वसूलता है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वही महिला ने यह भी बताया कि जब डॉक्टर विवेक सिंह अपने चेहरे से मास्क हटाया तो उसे पहचान गई और डॉक्टरी के फर्जीवाड़े का भी खुलासा हुआ। इस मौके पर फर्जीवाड़े को बढ़ता देखकर फौरन अस्पताल बंद कर झोलाझाप डॉक्टर फरार हो गया। खबर मऊ से है, जहां डॉक्टर के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जब महिला ने झोलाझाप डॉक्टर की पहचान कर उनके फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया। जब डॉक्टर ने अपने मुंह से मास्क हटाया तब उसके फर्जीवाड़े का पता चला। अब
कुछ उनका परिचय बताने लगा कि आप ये हो, यहाँ से बिलोंग करते हो, आपके पिता का नाम ये, सब कुछ जब मैंने बताने लगा तब उनको पसीना निकलने लगा, वो लगे हाथ जोड़ने लगे वो करने की, सुनिए मधु दीदी मैं आपसे जब मिला था उस समय BNSC अभी एडमिशन लिया, मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, तुम तुम्हारा कहीं भी स्टेट में मेडिकल फैकल्टी में कहीं तुम्हारा नाम नहीं, कहीं कुछ नहीं, रजिस्ट्रेशन कहीं दिखाई नहीं रहा। उसके बाद वो धीरे से भागना शुरू किया और भाग गए, यहाँ से भाग गए। हाँ भाग गए। पहली मतलब मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये डॉक्टर साहब जो है ये हम और इसका इलाज करते हैं और उसको बहुत सारी रिपोर्ट लिख करके दिए और बगल में प्रकाश में जाकर के मैं रिपोर्ट का ये सब किया हूँ, 6,000 रुपया लगा है और पता चला है आने के बाद कि डॉक्टर साहब फरार हो गए और फर्जी निकले और तमाम तरह के लोग और सारे लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब फर्जी हैं, बलिया के रहने वाले हैं, DOMS भी नहीं है और DM का लकब लगा करके। खबर जौनपुर से है जहां शहर कोतवाली स्वाट और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर पोखरे के पास से दो शातिर अर्जन को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से चोरी की दो गाड़ियां, 46 मोबाइल फोन, तमंचे समेत चोरी के अन्य सामान को बरामद किए गए हैं जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस लगातार कॉम्बे कर रही है। पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा अपराधियों की धरपकड़ हेतु एक रात विशेष अभियान चलाया गया जिसमें कोतवाली पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई है। कोतवाली स्वात प्रभारी और सर्विलांस की टीम कंबाइंड रूप से एक जगह चेकिंग कर रहे थे, उसी में एक साथी चोर पकड़ा गया जो बुलेरो थे, जो चोरी की बुलेरो थी और उसमें भारी मात्रा में सामान था। उसके साथ जब पूछताछ की गई कड़ाई से तो उसने बताया कि एक बुलेरो और जो कि आजमगढ़ से चोरी की गई है वो भी हम बरामद करा सकते हैं। तो सिपाह थाना क्षेत्र कोतवाली से दो बोलेरो, 46 मोबाइल और इलेक्ट्रिक के बहुत सारे सामान, तमंचा और कुछ पैसे और अन्य भारी मात्रा में सामान बरामद हुई है। ये चोर जो है साथी चोर हैं, ये गैंग करीब 6-7 लोगों का है जिसमें दो गिरफ्तार हुए हैं, अन्य चोरों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और ये गैंग अंतर जनपदीय गैंग है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान गाड़ी में लदे 10 लाख के अवैध गांजा के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद वहां चेकिंग के दौरान थाना अहरौरा पुलिस ने गांजा बरामद किया गया जहां SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मामले का खुलासा किया है। कल दिनांक 8/1/2022 को थाना अहरौरा क्षेत्र में मुखबिर के द्वारा थाना अध्यक्ष अरोरा को सूचना मिली कि सोनबरसा नहर पौनी बैरियर की तरफ से एक गाड़ी में कुछ लोग गांजा लेके आ रहे। इसी इशू पर सघन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान एक गाड़ी छत्तीसगढ़ नंबर की CG08K0797 आती हुई दिखाई दी जिसमें दो व्यक्ति बैठे हुए थे। उन व्यक्तियों को से पूछताछ की गई और जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि गाड़ी में गांजा है जो कि 57 किलो और 800 ग्राम गांजा है और ये लोग इसको छत्तीसगढ़ से लेके आ रहे थे और जो दोनों अभियुक्त हैं उनके नाम है विजय कुमार शर्मा पुत्र जवाहरलाल शर्मा निवासी रजवाड़ थाना सुखपुरा जनपद बलिया उत्तर प्रदेश और संजय सानी पुत्र बैजनाथ सानी निवासी कोनहवा थाना दरियापुर जनपद छपरा बिहार। ये छत्तीसगढ़ से इस गांजे को लेके आ रहे थे और ये जौनपुर इसको लेके जा रहे थे। खबर मिर्जापुर से है जहां गौमुख से बंगाल की खाड़ी तक पैदल यात्रा पर निकले अल्ट्रा मैराथन के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अतुल कुमार का चौक से मिर्जापुर के पक्का घाट पहुंचने पर लोगों ने माल्यार्पण करके उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस यात्रा का मकसद गंगा नदी के प्रदूषण मुक्त और जीवन को फ्री होकर जीने से देना है जबकि इस दौरान समाज सेवी से अतुल कुमार चौक से प्रशंसक हुए कहा जनजागरण के लिए पैदल यात्रा करके लोगों के बीच से संवाद से समाज और देश का भला होगा। देखिए अतुल चौक से जी उत्तराखंड से गोमुख से निकले हुए हैं गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के अभियान को लेकर के। उनका मूलभूत उद्देश्य है और वो पैदल यात्रा कर रहे हैं
और ये बंगाल की खाड़ी तक अपनी यात्रा लेकर के जाएंगे। तो आज मिर्ज़ापुर के अंदर हम सारे सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने, जो यहाँ के सभ्य समाज के लोग हैं, इनकी यात्रा का स्वागत किया है, इनको माल्यार्पण कर इनका अभिनंदन किया है, क्योंकि एक बहुत ही पुनीत और सार्थक उद्देश्य को लेकर के आगे निकले हुए हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद प्रतापगढ़ में डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां जिले के 7 विधानसभाओं को 31 जोन और 217 सेंटर में बांटा गया। पिछली बार से अधिक जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। डीएम ने जानकारी देते हुए यह भी कहा कि 1 फरवरी से 8 फरवरी तक नामांकन होगा। 9 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 11 फरवरी के नाम वापसी और चिन्ह के वितरित किए जाएंगे, जिसमें कुल 2812 पोलिंग सेंटर डीएम अपराधियों और गुंडों पर गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। देखिए, चुनाव में निष्पक्षता बरतने के लिए और शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, एक शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। जनपद में 247 बैरियर पॉइंट, चेकिंग पॉइंट और नाकेबंदी की गई है, और इसके साथ साथ में जितने भी आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं उनके खिलाफ लगातार गुंडा गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ भी प्रिवेंटिव धाराओं में उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जितने भी हमारे पोलिंग सेंटर्स हैं, हर पोलिंग सेंटर के लिए एक इंचार्ज पोलिंग सेंटर का गठन किया गया है, जो उस पोलिंग सेंटर से संबंधित सभी सूचनाएं एकत्रित करेंगे और आपराधिक और अराजक किस्म के तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कराना सुनिश्चित करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश सामान्य निर्वाचन 2022 की घोषणा कर दी गई है। प्रतापगढ़ जनपद में 5वें चरण में मतदान कराया जाना है, निर्वाचन प्रक्रिया 5वें चरण में होगी। हमारी नामांकन की कार्रवाई जो है वो 1 फरवरी को शुरू होगी और मतदान का दिनांक जो है वो 27 फरवरी 2022 निर्धारित किया गया है। मतगणना की कार्रवाई जो है 10 मार्च को संपूर्ण प्रदेश के साथ ही कराई जानी है। प्रतापगढ़ जनपद में आज की डेट में 24,43,000 से ज़्यादा हमारे मतदाता जो हैं, सातों हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। रायबरेली में हरचंदपुर से कांग्रेस के बागी विधायक राकेश सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो में राकेश सिंह भाजपा को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में राकेश सिंह ने कहा कि भाजपा में होने की वजह से शमी महाराज कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि ऐसे में महात्मा हैं जिनके बारे में पब्लिक कहती है, लेकिन सरकार चुप है। उन्हीं में से एक महात्मा है साक्षी महाराज। रामपुर में बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने युवक को गोली मार दी, जहां बदमाशों की गोली से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर हालत में युवक को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की जानकारी दी गई है। अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा, थोड़ा सस्पेक्टेड लग रहा है, जल्दी खुलासा हो जाएगा। कितने लोगों ने हत्या की है कुछ मालूम है? अभी दो लोग बता रहे हैं, बाकी कुछ कंफर्म नहीं है। तो कुछ पूछताछ की नहीं ले गए किसी को? अभी सस्पेक्टेड है थोड़ा सा। ये मर्डर मुझे शाम को जानकारी हुई, किटपिलाई रोड पे शिव बिहार जो मोहल्ला है, कॉलोनी है, उसमें ये बोध श्याम जी रहते थे। ये भी भारतीय जनता पार्टी से समर्थित हैं, हमारे सपोर्टर हैं। तो इनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मेरे दामाद को गोली मार दी। अब बात को पता चला, हम पहुंचे, हमने कहाँ है तो रास्ते पे घटना स्थल पे जा रहे थे, पता लगा हॉस्पिटल आ गए तो जिला अस्पताल आए, तो यहाँ से रेफ़र कर दिया था। मेरठ रेफ़र किया, ये मुरादाबाद हॉस्पिटल ले गए, पता लगा, फ़ोन पे बात हुई, डेथ हो गई। पता लग जाएगा मृत्यु का कारण क्या है, लेकिन पता लगा कि उसी की आँखों के सामने इन्होंने तमंचा रख के जो बताया गया है और गर्दन पर गोली मार दी। कितनी उम्र होगी लड़के की? 25-26 साल की उम्र है, अभी शादी नहीं हुई। और कितने लोग थे हमलावर? भी दो लोग थे मोटरसाइकिल पे। सहारनपुर में जिलाधिकारी अखिलेश सिंह की ओर से सर्किट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें जिलाधिकारी ने बीते कल चुनाव आयोग की तरफ से विधानसभा चुनाव की घोषणा के बारे में सभी विधानसभा सीटों पर कितने मतदाता व कितने मतदान केंद्र बनाने की जानकारी दी। बता दें कि जनपद में 25,80,386 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 21 जनवरी से 28 जनवरी तक नामांकन किए जाएंगे, जहां 29 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच व 31 जनवरी को
नाम वापस लिए जा सकेंगे। जनपद में 2950 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, वहीं 1308 मतदान केंद्र हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि कल भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसके लिए विस्तृत कार्यक्रम जो है जारी किया है। इस कार्यक्रम के मुताबिक जनपद सहारनपुर की 7 विधानसभाएं हैं। इन 7 विधानसभाओं पर जो निर्वाचन का नोटिफिकेशन है वो हम लोग 21 जनवरी को करेंगे। नोटिफिकेशन के पश्चात नाम निर्देशन पत्र की जो अंतिम दिनांक है वो 28 जनवरी है। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 29 जनवरी को किया जाएगा। नाम वापसी के लिए अंतिम दिनांक 31 जनवरी है। मतदान का दिनांक यहां पर जो है वो 14 फरवरी है और काउंटिंग का दिनांक 10 मार्च है। 12 मार्च के पहले जो निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया है वो समाप्त कर ली जाएगी। सिद्धार्थनगर जिले के भवानीगंज थाने में भवानीगंज कस्बे में 3 दुकानों का शटर तोड़कर चोरों ने लाखों का सामान और हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी हुई दुकानों में एक सराफा, एक साइकिल और एक गारमेंट की दुकान शामिल है। चोर ने सराफा व्यवसायी की तिजोरी को दुकान से निकालकर कुछ दूर स्थित एक खेत में लाकर फेंक दिया और तीनों दुकानों से हजारों की नकदी और लाखों का सामान लेकर आसानी से फरार हो गए। पीड़ित दुकानदारों के अनुसार चोरों ने साइकिल की दुकान से करीब 16,000 और कपड़े की दुकान से करीब 7,000 जबकि सराफा व्यवसायी की दुकान से करीब 16,000 कैश और 3,00,000 के सोने के गहने और करीब 3,00,000 की चांदी पर हाथ साफ किया। रात्रि में एक घटना थाना भवानीगंज क्षेत्र में हुई जिसमें एक दुकान है, उसके दुकान के दरवाजे को दरवाजा कमज़ोर था, उसको तोड़ के और अलमारी में से उसमें से आभूषण चोरी किए हैं। एग्जैक्ट कितना आभूषण चोरी हुआ है ये अभी इसकी जांच चल रही है। FIR दर्ज करने के निर्देश थाना अध्यक्ष को दे दिए हैं और जो FSL की टीम थी वो मौके पर चली गई। इसके अलावा वहाँ का जो मोबाइल का रिकॉर्ड है BTS है वो पुलिस की टीम ने उठा लिया है। जल्द ही घटना का अनावरण करी जाएगी। खबर संभल से है जहां नखासा और असमोली थाना इलाके में राय सत्ती पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, जहां से पुलिस ने बने हुए अधबने शस्त्र के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान SP चक्रेश मिश्रा ने बताया कि चुनाव से पहले जिले में अवैध शराब और फैक्ट्रियों के खिलाफ अभियान चल रहा है जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जनपद संभल की पुलिस के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत लगातार अवैध शराब व अवैध शस्त्रों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में आज थाना असमौली की पुलिस के द्वारा वीर सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से कुल 5 बने हुए तमंचे, 2 बनी हुई राइफल तथा 6 अधबने तमंचे बरामद किए गए हैं। इसी प्रकार से थाना नखासा की पुलिस के द्वारा असलम नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसके पास से कुल 6 बने हुए तमंचे व 1 राइफल बरामद की गई है। इनके साथ में इनके द्वारा बनाने के लिए में प्रयोग होने वाला सामान बरामद किया गया है। ये दोनों अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा आज करते हुए इन दोनों को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। संभल पुलिस के द्वारा लगातार इस तरह की कार्रवाई आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही पूरे प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो गई है जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है, जिसको लेकर प्रदेश के कई जिलों में DM समेत राजनीतिक पार्टियों के साथ भी समीक्षा बैठक की जा रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, आपको अयोध्या, रामपुर, सीतापुर और मैनपुरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमने पूरे जनपद को 25 जोन और 154 सेक्टर में बांटा है। 25 हमारे जोनल ऑफिसर्स में काम करेंगे और 154 हमारे सेक्टर ऑफिसर्स इसमें काम करेंगे, जिनको हम लोग सेक्टर मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। उनकी सेक्टर मजिस्ट्रेट की विजिट अभी हम लोग कराएंगे जो बूथ पर अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज, ताकि जितने मतदाता हमारे बूथ पर जाएं। इस बार आप सभी को पता है कि कोविड को लेकर भी माननीय आयोग की गाइडलाइंस, बहुत व्यापक गाइडलाइंस आई हैं और कोविड की चुनौती जो सामने हमारे उसको पार पाने के लिए और उसको ध्यान में रखते हुए मतदाताओं और जो हमारे पोलिंग पर्सनल जो मतदान कराने के लिए जाएंगे उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कोविड गाइडलाइंस का भी बेहतर तरीके से अनुपालन कराने की दिशा में प्रयास किया गया है। मजिस्ट्रेसी द्वारा
संयुक्त रूप से ऐसे व्यक्तियों का चिन्हांकन कर लिया गया है जिनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई होनी है। शस्त्रों को जमा कराने की कार्रवाई, निरोधात्मक कार्रवाइयाँ, ये सब लगातार चल रही हैं। अभी तक जो क्रिटिकल बूथ हैं और जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनके चिन्हांकन की कार्रवाई सेक्टर ऑफिसर्स के द्वारा और राजस्व और पुलिस विभाग के कार्मिकों के द्वारा की जा रही है, और ऐसे व्यक्ति जो चुनाव पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं उनका चिन्हांकन करते हुए उनके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 116, गैंगस्टर, गुंडा, ये सारे अधिनियमों के अंतर्गत उनके। उत्तर प्रदेश के अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।